4000 भर्तियां, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों के बच्चों की शिक्षा मुफ्त, महिलाओं के लिए लाडली योजना और बेटियों के लिए सेविंग बॉन्ड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में तोहफे ही तोहफे। और इन तोहफों की बारिश के साथ राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का अंतरिम बजट पेश कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ विजय वर्मा। राजस्थान में भजन लाल सरकार का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में क्या क्या घोषणाएं और क्या क्या लोक लुभावन प्रावधान किए गए, आज उन्हीं पर चर्चा करें। तो सबसे पहले प्रदेश के युवाओं को क्या मिला बजट में, जान लेते हैं। जैसा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इस बजट से बड़ी उम्मीद थी और 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा के साथ युवाओं को भजन लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इसी के साथ ही किसान, गरीब और महिलाओं के लिए इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए। हालांकि इस बजट में राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद थी, क्योंकि विपक्ष में बैठकर भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल की रेट्स पर तत्कालीन गहलोत सरकार की जमकर खिंचाई करती रही है। खैर, यह उम्मीद एक बार फिर धराशायी हो गई। फिर भी चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र को क्या किया। तो सबसे पहले शुरुआत युवाओं से ही करते हैं। बेरोजगार युवाओं को 70,000 नौकरियां मिलेंगी। साथ ही निजी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस पर सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी योजना कही जा सकती है। माना जा रहा है कि पेपर लीक जैसे प्रकरणों से युवा बेरोजगारों का मनोबल टूट गया था। भजन लाल सरकार ने उसी मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं प्रदेश के किसान वर्ग को क्या मिला बजट में। तो किसानों के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की। उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करेंगे अब राजस्थान के किसानों के बच्चे। जैसा कि मौजूदा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वही वादा पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा 2000 करोड़ का कृषि कोष, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर अब गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए हर गोपालक को 1,00,000 तक का कर्जा मिल पाएगा। अब जानते हैं चिकित्सा क्षेत्र को क्या मिला। तो पिछली गहलोत सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक चिरंजीवी योजना को भजन लाल सरकार ने कंटिन्यू रखा है, लेकिन अंतरिम बजट में इसका नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। अब इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज शामिल किया जाएगा। इसी के साथ महिलाओं को, बेटियों को भी इस बजट में शामिल किया गया है। लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि वादा सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किया था कि लखपति दीदी योजना लाएंगे, बस उसी के तर्ज पर यह योजना है। यह वही लाडली योजना है जिसको MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। बड़ी फेमस हुई थी यह योजना, तो अब राजस्थान में भी आ गई है। इस योजना में 5,00,000 महिलाओं की आय 1,00,000 से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा गरीब के घर में बेटी हुई तो 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड देगी राजस्थान सरकार। यह घोषणा भी मैनिफेस्टो में शामिल की गई थी, उसका आज बजट में प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के प्रसव पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो बहुत सारी घोषणाएं की गई है। सबसे पहले बात करेंगे बहुप्रतीक्षित और इन दोनों चर्चाओं में चल रही ERCP परियोजना की। इस परियोजना में नए MOU के बाद अब बजट बढ़ा दिया गया है। 70,250 करोड़ का बजट था जो 45,000 करोड़ कर दिया गया है, और इस योजना पर अब ज़्यादातर फंड केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। इस परियोजना का लाभ राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। राजस्थान के 13 जिलों की जगह अब 21 जिलों को ERCP का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अंतरिम बजट में अगले 4 साल में 20,000 गाँवों में जल संरक्षण ढांचे खड़े करने का की भी बात बजट में की गई है। जल संरक्षण के लिहाज से 5,00,000 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। राजस्थान की सड़कों के विस्तार के लिए अंतरिम बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, यानी कि सड़कों का स्तर, उनकी गुणवत्ता, दायरा बढ़ाने पर सरकार ध्यान देगी और इसके लिए स्टेट रोड फंड 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान इंफ्रा मिशन की भी घोषणा कर दी गई है, इसके लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और एक बार फिर से उम्मीद जागी है जयपुर मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर, मेट्रो सेवा लाइन के विस्तार को लेकर घोषणा की गई है। इस पेज को लेकर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोपों पर लंबे दौर चल चुके हैं। अब जयपुर के नियरेस्ट वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण पर 100 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर बीकानेर भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की घोषणा की गई है। 20 मंदिर आस्था केंद्रों पर भी 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। प्रदेशवासियों के घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ये प्रावधान किया गया है। 5 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर प्लांट लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी वहां के औद्योगिक विकास से जुड़ी होती है। ऐसे में इंडस्ट्री को देखते हुए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स की घोषणा की गई है। पुराने मामले निपटाने के लिए एमनेस्टी योजना लाने की घोषणा भी की गई है। इस एमनेस्टी योजना का स्वागत किया है प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, काफी अरसे से मांग की जा रही थी। लैंड टैक्स कम करने को लेकर भी आज बजट में फैसला किया गया है। 10% ही अब लैंड टैक्स चुकाना होगा। आखिरकार राजस्थान की बजरलाल सरकार ने सबको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है, सबका मुंह भी मीठा करवाया है और लगे हाथ चीनी गुड़ पर मंडी शुल्क कम कर दिया गया है। चलिए, राजस्थान सरकार का यह बजट हर क्षेत्र के लिए फ्रेंडली लगता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।